तो क्या आप एनडीए के दलों को भी तोड़ने की सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन की हाल में मीटिंग भी हुई, क्या एनडीए के दलों को भी तोड़ने की कोशिश होगी? क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें 260 के आसपास बीजेपी जाती दिख रही है अकेले। और अमित जी का हाल एक बार बता देते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर पीछे चल रही है, कांग्रेस के केएल शर्मा आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर कैंडिडेट उतारते वक्त भी हमने देखा था कि काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करवाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन बाद में केएल शर्मा का नाम चुना गया और उसके बाद अमेठी से स्मृति ईरानी को वो तगड़ी फाइट देते हुए हम कह सकते हैं पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 64,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं केएल शर्मा। और इस पर आनंद दुबे जी को जवाब देना चाहिए। आनंद दुबे जी, जब अमेठी में हमारी टीम गई थी ना, तो वहां पर एक बात देखने को मिली, ये सही है कि स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अपना घर भी बना लिया, वोटर आईडी कार्ड भी बनवा ली और वहां का पता दर्ज करवा लिया। बावजूद इसके जो अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, वो कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे थे ये बताया जा रहा था, तो इस बात का असर क्या हो सकता है, ये कैलकुलेट नहीं कर पाए क्या, या अभी भी आपको उम्मीद है कि अमेठी में तस्वीर फिर बदल जाएगी? नहीं देखिए, आपके चैनल पे जो मार्जिन दिखाया जा रहा है वो करीब करीब 60,000 से ऊपर 64,000 के आसपास का दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मार्जिन है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि एक बड़ा मार्जिन है, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ये मार्जिन इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी, संपर्क में होगी, संवाद में होगी, किसी न किसी तरह से होगी, हो सकता है कोई अन्य कारण रहे हो, इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट वहां अगर उसको पराजय मिलती है या अगर विपक्ष जीतता है तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम रहा होगा, हो सकता है हम अपनी बातों को न पहुंचा पाए हो, तो अगर अमेठी की स्थिति ये बनती है तो हम इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि हमें इंतजार करना। रायबरेली में 2,00,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रायबरेली को लेकर भी कहा जा रहा था कि अमेठी तो हम जीतेंगे ही, और रायबरेली को भी तोड़ेंगे। जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी नहीं, निश्चित रूप से रायबरेली में जो परिणाम है वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के सहयोग से रायबरेली में अच्छी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से काफी पीछे हैं, मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के सहयोग से आगे चल रहे हैं।